नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। नवरात्र और त्योहारों पर देश को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान से गिरफ्तारी की है और आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। 2 आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। इस तमाम कामों के लिए भारत में कैसे दहशतगर्दी फैलानी है, इसके लिए पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी थी। पाकिस्तान के एक अड्डे पर इन 2 आतंकियों को ट्रेन किया गया था। तो आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक मिले हैं, यानी कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। और त्योहारों पर देश को दहलाने की दहशतगर्दों की पूरी प्लानिंग थी। और लेकिन उससे पहले भारत ने और सुरक्षा बलों ने, इंटेलिजेंस ने मिलकर इनके उन तमाम नापाक इरादों को धराशायी कर दिया, इनके नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया। यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान से इनकी गिरफ्तारी की गई। 6 आतंकी हैं, 4 को फिलहाल पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया रिमांड पर। 2 की आज कोर्ट में पेशी होगी। तो आतंक का ये मस्कट प्लान क्या था, यह हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे लगातार तमाम साजिशों को रच रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है आतंकियों को, जिससे कि भारत को दहला सके। दो आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना, जहां पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईडीज को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। इसमें जो है, जो फेस्टिवल सीजन में जो खास तौर पे जो हमको लग रहा है, वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफी बड़ा नेटवर्क है और आज सुबह इसके ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली, प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर, फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। तो गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। आतंकियों के कई मॉड्यूल अभी भी देश में मौजूद हैं और सक्रिय हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, देश के अंदर 15 से 20 और आतंकी हो सकते हैं। आतंकियों की तलाश में जुटी हैं सुरक्षा एजेंसियां। तमाम इंटेलिजेंस इनपुट को कंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। आतंकियों के निशाने पर कई धार्मिक और राजनीतिक हस्तियां हैं। दिल्ली के बाद अयोध्या भी निशाने पर थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आतंकियों की हिट लिस्ट में अयोध्या भी थी। जी हां, अयोध्या पर भी, दिल्ली पर भी निशाना साधना चाहते थे ये तमाम आतंकी। इनको ये असाइनमेंट, इनको ये टास्क दिए गए थे। तो लगातार आपको हम वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको 4 तस्वीरों से आतंक के इस खौफ